हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज की वीडियो में करेंगे अर्थवर्म की एनाटॉमी जो है उसके बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब अर्थवर्म फ्रॉग और कॉकरोच में से जो अर्थवर्म और कॉकरोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत क्वेश्चन कॉकरोच में आते हैं, फ्रॉग में से तो वैसे उसके एनाटॉमी से क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने, ठीक है। मतलब आए ही नहीं हुए हैं मास्टर कैडर में, तो इनमें से आए हुए हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थवर्म के बारे में बेसिक क्या कि अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं ये जो फील्ड होती है, हमारे खेत होते हैं, वहाँ पे ये सॉयल के अंदर, मिट्टी के अंदर ये होल क्रिएट करके वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये होल क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन हो गई वो अंदर तक जा पाती है सॉयल के, ठीक है। तो इससे न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। इसके अलावा जो अर्थवर्म वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, वो भी सॉयल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए जो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी काम करते हैं, यूज़फुल हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये फार्मर्स के फ्रेंड हैं, ठीक है। तो हमें सीधा क्वेश्चन कई बार एक आधी बार तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मर, फ्रेंड ऑफ फार्मर किसे कहा जाता है। सिंपल है, अर्थवर्म को कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थवर्म जो होते हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग करने में भी काम आते हैं, ठीक है, सॉइल में ब्यूरोस करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है कि कॉमन इंडियन अर्थवर्म जो है वो कौन कौन से हैं, फेरिटिमा और लंब्रिकस, ठीक है। एनिलिड फाइलम से बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने मतलब अर्थवर्म के बारे में अगर वीडियो देखनी है तो आप वो मतलब वहाँ से पढ़ सकते हो थोड़ा, ठीक है। बेसिक पता करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो, डिटेल सारी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। कैसे होते हैं देखने में, रेडिश ब्राउन कलर के टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये, ज़मीन पे पाए जाते हैं, रेडिश ब्लू ब्राउन कलर के ये नज़र आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं, ठीक है, मतलब होल क्रिएट करते हैं जो ये अर्थवर्म है, ठीक है। तो ओइंग डे दे लिव इन ब्यूरोज, ये ब्यूरोज में रहते हैं, यहाँ पे बारिश के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये जो फीकल डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग, ठीक है। वॉर्म कास्टिंग के थ्रू इनके फीकल डिपॉजिट होते हैं, ठीक, जो वेस्ट होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर जाता है। तो इनकी बॉडी पे 100 to 200 तक सेगमेंट हो सकते हैं, मतलब सेगमेंट मतलब इस तरह से इसके, ठीक है, सेगमेंट पाए जाते हैं बॉडी पे। तो यहाँ पे अर्थवर्म का डायग्राम है, ठीक है, इसमें इसके बेसिक पार्ट बताए हुए हैं सारे, वो पढ़ लेते हैं। जो अर्थवर्म होता है उसकी जो अपर साइड है, ठीक है, ऊपर वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड बोल देंगे, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को डॉर्सल, नीचे वाले को वेंट्रल बोलेंगे। तो अर्थवर्म में सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक पूरा होता है, ठीक है। माउथ में, माउथ जो है माउथ में आगे वाला हिस्सा एक होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। प्रोस्टोमियम जो होता है ये सेंसरी है और सॉयल में क्रैक करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सॉयल को खोद के उसमें ब्यूरो क्रिएट करने में, उसमें होल क्रिएट करने में ये हेल्प करता है, प्रोस्टोमियम है, ठीक है। प्रोस्टोमियम जो है ये माउथ के आगे होता है, ठीक है। एक होता है पेरिस्टोमियम, ठीक है, माउथ में अभी क्या होता है, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट को कहा जाता है, जैसे हमने कहा ना इसमें सेगमेंट होते हैं, तो सेगमेंट कई सारे हो सकते हैं, तो फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, ठीक है। जो पेरिस्टोमियम है सबसे आगे है, उसके बाद एंड में एनस पाया जाता है, ठीक है, लास्ट सेगमेंट्स में एनस पाया जाता है। पेरिस्टोमियम सबसे पहला सेगमेंट है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी क्या है, सीटे, मतलब ये जो इस तरह से बनाए हुए हैं ना इसको हम बोलते हैं सीटे, ठीक है, सीटे। हर एक सेगमेंट में सीटे, एस शेप स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीटे बोलते हैं, ठीक है। सीटे जो होते हैं ये काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, काइटिन से बना हुआ, और लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है, मूव करने में अर्थवर्म को हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अर्थवर्म के कौन से पैर या मतलब जो लिम्स वगैरह हैं वो होते नहीं है ना, इसलिए तो लोकोमोशन में सीटे हेल्प करते हैं उसको। उसके बाद आता है कि जो अभी क्वेश्चन मास्टर कैडर में क्या पूछा गया है, सीटें जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो इसके फर्स्ट सेगमेंट जो पेरिस्टोमियम होता है, इसका जो ये मिड वाला पार्ट क्लिटलम होता है, और जो लास्ट सेगमेंट होते हैं वहाँ पे सीटें नहीं होती हैं, ठीक है। लास्ट सेगमेंट में, एंड में जाके सीटें नहीं होते, बाकी सभी पे सीटें होती हैं, ठीक है। तो अभी सीटें के बाद है ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं अच्छा, ये फिफ्थ सिक्स मेनली, तो सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ चार पेयर होते हैं, चार सेगमेंट जो हैं इनमें क्या है, स्पर्मेथिकल अपर्चर है, ठीक है। स्पर्म प्रेजेंट, स्पर्म बनाने वाले पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पर्मेथिकल अपर्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है और पेयर फॉर्म में है, देखो, ठीक है, फोर पेयर हैं। उसके बाद है ये वाला पार्ट आता है, इसको बोलते हैं क्लिटलम, ठीक है। पूरी बॉडी से थोड़ा सा अलग है, थोड़े बड़े सेगमेंट करके ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लिटलम। ग्लैंडुलर टिश्यू होती हैं ये, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जो इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो कि आगे कोकून वगैरह बनते हैं ना अर्थवर्म के, वो यहीं क्लिटलम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये क्लिटलर के बाद का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट क्लिटलर सेगमेंट, मतलब यहाँ पे जो सेगमेंट हुए पोस्ट क्लिटलर सेगमेंट होंगे वो, ठीक है। उसके बाद आता है ये
जो हर एक इस तरह से है इसको हम मेटामर बोलते हैं, ठीक है। मेटामर 100 to 200 जो सेगमेंट है ये मेटामर, इसमें ये बने होते हैं, ठीक है। तो एंड में क्या आया, एनस आ गया, ठीक है। अभी कहते हैं ये देखो यहाँ पे लिख दिया कि इंपॉर्टेंट है ये कि कोई सीटें नहीं होता कहाँ पे, फर्स्ट लास्ट और क्लिटरम पार्ट में कोई सीटें नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे। हाँ, जो मास्टर केडर में आगे क्वेश्चन आए ना वो यहाँ पे इस बेस पे ज़रूर आए हुए हैं, एलिमेंट्री कैनाल में से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो हमें ये ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है। एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट से लास्ट सेगमेंट तक चलता है अर्थवॉर्म में, ठीक है। इसका पार्ट ये थोड़ा डायग्राम भी इस पर बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है माउथ, माउथ के आगे क्या पेरिस्टोमियम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्या आता है, माउथ में प्रोस्टोमियम लगा हुआ है, ठीक है। प्रोस्टोमियम के बाद माउथ फर्स्ट सेगमेंट में है। ये आपको सेगमेंट याद करनी है कि कौन से सेगमेंट में क्या है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो है माउथ वाला, ठीक है। फिर बकल कैविटी जो होती है इनकी, वो इसकी आती है फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट। असल में फर्स्ट से लेके टू एंड हाफ सेगमेंट तक जाती है, ढाई सेगमेंट तक जाती है, ठीक है। आगे टू एंड हाफ सेगमेंट से आगे उसका जो आधा हिस्सा होता है वो मस्कुलर फेरनेक्स में चला जाता है, ठीक है। ढाई से लेके चौथे सेगमेंट तक का जो हिस्सा होता है असल में उसको मस्कुलर फेरनेक्स बोल देते हैं, ठीक है। फेरनेक्स पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है फेरेंजियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फेरनेक्स के बाद यहाँ पे ये पार्ट आता है इसोफेगस वाला। इसोफेगस कहाँ से होता है, फिफ्थ से सेवन्थ सेगमेंट तक इसोफेगस होता है, ठीक है। इसोफेगस के बाद आता है गिजर्ड पार्ट, ये वाला जो है इसको गिजर्ड पार्ट बोलते हैं। गिजर्ड 8th और 9th सेगमेंट में गिजर्ड प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो गिजर्ड है वो कहाँ पे है, 8th 9th सेगमेंट है में है। तो अगर आपको पूछा जाए 8th 9th सेगमेंट जो गिजर्ड है वो क्या फंक्शन करता है, ग्राइंडिंग का, अर्थवॉर्म में फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एट्थ नाइन्थ सेगमेंट जो है ये गिजर्ड पार्ट है, ग्राइंडिंग में फंक्शन करता है। गिजर्ड के बाद इसकी क्या आती है, स्टमक, ठीक है। 9th से लेके 14th सेगमेंट तक इसकी स्टमक चलती है। स्टमक में क्या होते हैं, कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं। कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ये, ठीक है, जो ये कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं उसमें। उसके बाद ये स्टमक जो है 14th सेगमेंट पे खत्म होगी। 14th से आगे 15th सेगमेंट से क्या स्टार्ट होता है, ये इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन 15th सेगमेंट से लेके ऑनवर्ड्स पूरे एंड तक चलती है, ठीक है। ये देखो इंटेस्टाइन क्या है, 15th सेगमेंट से ऑनवर्ड चलती है, ठीक है। 15th अभी जो इंटेस्टाइन है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको बोला प्री टिफ्लोसोल, जो इतना हिस्सा है इसको नाम दिया टिफ्लोसोल, ठीक है, टिफ्लोसोल रीजन। जिसके बाद का है इसको बोलेंगे पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन, ठीक है। तो प्री टिफ्लोसोल रीजन जो है ये 15th से लेके 26th सेगमेंट तक प्री टिफ्लोसोल है, मतलब टिफ्लोसोल पार्ट से आगे टिफ्लोसोल कुछ इस तरह के ऐसे करके बने होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सर्फेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो टिफ्लोसोल से पहले का जो हिस्सा है वो प्री टिफ्लोसोल है, कहां से 15th से 26th सेगमेंट तक चलता है। टिफ्लोसोल रीजन 27th सेगमेंट से 95th सेगमेंट तक चलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। टिफ्लोसोल कैसे होते हैं, टिफ्लोसोल कुछ इस तरह से करके ऐसे थोड़ा ना थोड़ा सा इस तरह से क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल, ठीक है। तो यहाँ तक टिफ्लोसोल है, टिफ्लोसोल के बाद क्या पोस्ट टिफ्लोसोल, 95 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो सारे टिफ्लोसोल ही, पोस्ट टिफ्लोसोल ही आते हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो 23 और 25 सेगमेंट होते हैं बेसिकली, तो वही जो ऑनवर्ड्स चल सकते हैं, डिपेंड करता है कि अर्थवॉर्म कितना बड़ा है उसमें कितने सेगमेंट है, ठीक है, उसके बेस पे। तो अभी एक चीज़ रह गई क्या, कि जो ये इंटेस्टाइन का ये प्री टिफ्लोसोल वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे साइड में इस तरह से ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीके, ठीक है। इंटेस्टाइनल सीके होते हैं ये। तो 26 ये थोड़े आगे की तरफ देखो, पहले 26 सेगमेंट तक गए, उससे आगे की तरफ आ रहे हैं, 26 से आगे की तरफ 22 सेगमेंट की तरफ आते हैं ये, ठीक है, आगे की तरफ आते हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर पार्ट की तरफ, ठीक है, आते हैं। तो इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीके। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, साथ में इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है। टिफ्लोसोल सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइनल सीके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड को। गिजर्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, ठीक है। प्रोस्टोमियम का क्या फंक्शन है, ब्यूरो क्रिएट करता है सॉइल को क्रैक करके, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी बॉल, इनकी कैसी होती है। बॉडी बॉल जो है वो इसकी, ये बॉडी बॉल बनी हुई है, ठीक है। बॉडी बॉल में आगे क्या दिखा हुआ है, अंदर जो है पहले तो एपिडर्मिस किससे बनती है, कोलमनर सेल्स और सिक्रीटरी ग्लैंड से बनती है, ठीक है। जिसकी बाहर वाली ये वाली लेयर है ये सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है। आउटर मस्कुलर जो मस्कुलर पार्ट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर मसल्स होती हैं, हमारे से उल्टा होता है इनका। हमारे बाहर क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमारे बाहर होती हैं, सर्कुलर मसल अंदर होती हैं। इनके सर्कुलर मसल बाहर वाले हिस्से में, लॉन्गिट्यूडनल मसल इनके अंदर वाले हिस्से में होती हैं, ठीक है। और इनके एपिडर्मिस पे क्या होता है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर बनी होती है पतली सी, ताकि वाटर लॉस वगैरह ना हो सके, ठीक है। तो उसके बाद आती है ब्लड वास्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम, वैसे तो इस पे क्वेश्चन आया तो नहीं हुआ है, बट हमारा ये पार्ट है, ठीक है, हमें ये पार्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है कि इस पीछे नहीं आया हुआ तो इस बार आ जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट एक दो बार आप वीडियो को देख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या है, ये क्लोज्ड सिस्टम चलता है, ठीक है। क्लोज्ड टाइप है ब्लड जो है वो वेजल्स में फ्लो करता है, ठीक है, ओपन नहीं है, कैविटीज़ में नहीं है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज और हार्ट हैं, ठीक है। फोर पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ब्लड वेजल्स जो हैं A to 8 टाइप तक की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, ब्लड वेजल्स जो हैं वो क्या है, डॉर्सल ब्लड वेजल है, वेंट्रल ब्लड वेजल है, ठीक है। उसके बाद सब न्यूरल ब्लड वेजल है, सप्राइसोफेगल जो है वो वाली ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ये लेट्रो इसोफेगल ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है। देन सिक्स पे है लेट्रल हार्ट होते हैं, लेट्रल इसोफेगल हार्ट है, एंटीरियर लूप हैं, ठीक है, ये पाई जाती हैं। तो अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये अर्थवॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। अर्थवॉर्म की ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड बना दी है, ठीक है। डॉर्सल साइड की तरफ सबसे पहले जो ऊपर की तरफ आती है इसको बोलते हैं ब्लड वेजल को डॉर्सल, इसको बोलते हैं डॉर्सल ब्लड वेजल, ठीक है। ये वाली डॉर्सल ब्लड वेजल है, ये वाली, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे वाली जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल ब्लड वेजल बोल देंगे, ठीक है। अभी जो इसका ये बीच में बनाया हुआ है, ये माउथ इसोफेगस, ये माउथ फेरेनेक्स इसोफेगस पार्ट है, ठीक है। ये गिजर्ड है, गिजर्ड के आगे फिर इंटेस्टाइन वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, ये डॉर्सल वाली ब्लड वेजल थी, नीचे क्या है, वेंट्रल वाली ब्लड वेजल। तो यहाँ से एक ब्लड वेजल जो है, ठीक है, वो ब्लड वेजल इंटेस्टाइन तक जाती है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती है, और जब इंटेस्टाइन तक पहुँचती है तो इंटेस्टाइन से अलग होकर नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सब न्यूरल ब्लड वेजल, ठीक है, तीसरी ब्लड वेजल होगी, ठीक है। अभी इनके बाद जो यहाँ से एक छोटी सी ब्लड वेजल होती है वो कहाँ पे होती है, ऊपर वाले हिस्से में, डॉर्सल साइड में होती है। ये छोटी सी जो बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, ये वाली शायद आपको क्लियर हो, ये वाली जो ब्लड वेजल है इसको हम बोलते हैं सुप्रा डॉर्सो इसोफेगल ब्लड वेजल, ठीक है। सुप्रा छोटी है, डॉर्सल ऊपर वाली साइड है, किसके पास है, इसोफेगस के पास, तो इसोफेगल ब्लड वेजल है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर टाइप के इस तरह से वो हार्ट बने हुए हैं, ठीक है। फोर पेयर ऑफ हार्ट हैं, कौन कौन से, एक है लेटरल हार्ट, ठीक है, लेटरल के बाद मतलब पेयर में है लेटरल वाला हार्ट है, ठीक है, दो वाले, ये वाले, ठीक है। इसके बाद जो ये वाले हैं इसको बोलते हैं लेटरल लेट्रोइसोफेगल हार्ट, ठीक है। जो आगे की तरफ है वो लेटरल हार्ट है, जो इसोफेगस से आगे की तरफ है वो लेट्रो इसोफेगस हार्ट है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट हैं, इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। जो लेट्रो इसोफेगल ब्लड वेजल है जो नीचे वेंट्रल ब्लड वेजल से नीचे की तरफ आ रही है, तो एक पेयर में है ये, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो है वो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इधर बॉडी बॉल की तरफ जाता है, बॉडी बॉल से फिर यहाँ से ज्वाइन होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर पार्ट की तरफ ये पास करता है। तो वही यहाँ पे एक एक करके हमने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बताया हुआ है, देखो, डॉर्सल ब्लड वेजल, डॉर्सल कौन सी थी, ऊपर वाली, ठीक है। ब्लड वेजल जो है, डॉर्सल ब्लड वेजल जो है 13th सेगमेंट तक पहुंचती है, ठीक है, वहां तक ही जाती है। उसके बाद है ये ट्रू हार्ट के तौर पे ये काम करती है, ठीक है। सबसे पहले आती है, मतलब जो 13th तक है ये क्या करती है, लेटरल हार्ट बनाती है, ठीक है, लेटरल हार्ट वाला पार्ट इसमें आता है। और जो
लेट्रो इसोफेगल हार्ट है वो इसमें आता है, ठीक है, पेयर में जो हैं दो दो हार्ट वो आती हैं, ठीक है। तो पूरे ये मिलके मतलब ब्लड सप्लाई ये किधर करते हैं, फिर वेंट्रल ब्लड वेजल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वेंट्रल ब्लड वेजल डिस्ट्रीब्यूट किधर करती है ब्लड को, थ्रू आउट द बॉडी, किधर, ब्लड वॉल, बॉडी वॉल की तरफ, ठीक है, अंदर से बॉडी वॉल की तरफ और एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। जबकि ये कलेक्ट कहाँ से करती है, वेंट्रल ब्लड वेजल जो है ब्लड को कलेक्ट कहाँ से करती है, 13th सेगमेंट तक करती है, एंटीरियर पार्ट से 13 सेगमेंट तक ही करती है, ठीक है, जो नीचे वाली है ब्लड वेजल। तो फोर पेयर ऑफ हार्ट से डॉर्सल, ठीक है, फोर पेयर ऑफ हार्ट जो होते हैं वहां से क्या करती है ये डॉर्सल साइड पे जो ब्लड वेजल है उसकी तरफ ब्लड को कलेक्ट करती है ये, ठीक है। थर्ड पे आते हैं सुपरा इसोफेगल, सॉरी सब न्यूरल ब्लड वेजल जो है ये 14th सेगमेंट से ऑनवर्ड चलती है, ये जो ब्लड वेजल होती है ना वेंट्रल ब्लड वेजल उसके नीचे से 14th के ऑनवर्ड इस तरह से जो हमने पढ़ा ना वो वाली चलती है, उसको बोलते हैं सुपरा न्यूरल ब्लड वेजल। तो ये डॉर्सल ब्लड वेजल को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड, और कलेक्ट कहाँ से करती है, लेट्रो इसोफेगल पार्ट से, ठीक है। फिर जो सुपरा इसोफेगल है इसको सबसे छोटी माना जाता है, कहा था ना हमने इसोफेगस पार्ट से होके निकलती है, उसको बोलते हैं सुपरा इसोफेगल ब्लड वेजल, ठीक है, स्मॉलेस्ट मानी जाती है। डिस्ट्रीब्यूट किधर करती है ब्लड को, लेट्रो इसोफेगल हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ, ब्लड वेजल नहीं हार्ट की तरफ, ठीक है, जो ऐसे पेयर में हार्ट बनाए थे ना हमने वो वाले उनकी तरफ, ठीक है। उसके बाद है कलेक्ट कहाँ से करती है, एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे ब्लड को ये कलेक्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाद है लेटरल इसोफेगल ब्लड वेजल, लेट्रो इसोफेगल ब्लड वेजल कहाँ पे है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है। तो अभी ये टिल एंटीरियर पार्ट टू 13th सेगमेंट, ठीक है, आगे वाले हिस्से से 13th सेगमेंट की तरफ जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड पे वैसे तो ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। 13th सेगमेंट पे ये दोनों मतलब जो ऊपर वाली यहाँ पे अगर आएँ यहाँ से, ठीक है, 13th सेगमेंट से ये ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, तो ये दोनों यहाँ से इस पार्ट से ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके ये नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो वही समझाया हुआ है यहाँ पे कि ये 13th सेगमेंट से यूनाइट करके एक सिंगल फॉर्म में ब्लड वेजल की फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाती है। तो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करती है, किधर देती है, सुपरा इसोफेगल के एंटीरियर से एंटीरियर लूप में। एंटीरियर लूप कहाँ पे है, ये वाले जो बीच में देखो ये पेयर ऑफ हार्ट हैं, ठीक है, लेट्रो इसोफेगल हार्ट हैं, तो इनके बीच में इस तरह से मैंने थोड़ा सा पार्ट बनाया हुआ है अगर आपको क्लियर हो ये वाला, है ना। तो इसको हमने कहा है एंटीरियर लूप होती है ये, ठीक है। तो अभी जो ये एंटीरियर लूप है उधर भेजती है, और कलेक्ट कहाँ से करती है, इंटेस्टाइन से, ठीक है। फोर्थ ही आ गया, फिफ्थ ऊपर करके हटी अभी। सिक्स में क्या है, लेटरल हार्ट। लेटरल हार्ट कौन से होते हैं, डॉर्सल से वेंट्रल ब्लड वेजल की तरफ ब्लड को सप्लाई करते हैं, दो पेयर में होते हैं, 7th से 9th पेयर में होते हैं ये, ठीक है। तो लेटरल हार्ट जो होते हैं ये दो हैं, कहाँ से, 7th और 9th पेयर में है। यहाँ पे मैंने पेयर नहीं लिखे हुए हैं, मतलब सेगमेंट नहीं लिखे हुए हैं, बट आपको याद करनी है, ठीक है। ये वाले जो हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पेयर ऑफ हार्ट 7th से 9th सेगमेंट की तरफ है, 8th से 9th सेगमेंट में गिजर्ड वाला पार्ट होता है ना वहाँ से उसके पास। लेट्रो इसोफेगल हार्ट होते हैं ये भी दो होते हैं, 12 और 13 सेगमेंट में हैं। कहाँ पे हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये वाले जो हैं ये 12 से 13 सेगमेंट में हैं। उसके बाद चलते हैं एंटीरियर लूप पे, जो बीच में टू पेयर ऑफ हार्ट, जो पेयर ऑफ हार्ट के बीच में इस तरह से बनी हुई लास्ट वाले में, एंटीरियर लूप टू पेयर में होती है, 10th और 11th सेगमेंट में होती है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करती है ब्लड को, लेट्रो इसोफेगल हार्ट में, और कलेक्ट कहाँ से करती है, लेट्रो इसोफेगल ब्लड वेजल से कलेक्ट करती है ब्लड को, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ब्लड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, 4th, 5th, 6th सेगमेंट जो होता है वहाँ पे ब्लड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। लिम्फ ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, 26th सेगमेंट से ऑनवर्ड चलते हैं सारी लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, हर एक पेयर सेगमेंट में ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो लिम्फ ग्लैंड हैं। उसके बाद जो ब्लड ग्लैंड होते हैं ये इसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स किस फॉर्म में होते हैं, फैगोसाइटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करें, सॉरी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक फंक्शन होता है इनका। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, ठीक है। हमारे सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, बट इनके सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, तो ये याद रखने चीज है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शायद पूछ सकते हैं, बट पूछा तो अभी तक नहीं गया, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रीडी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। तो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ये यूरिया रिमूव करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ओके। तो
उसके बाद है जो नेफ्रीडिया है, तीन तरह के, सेप्टल, इंटिग्यूमेंट्री और फेरेंजियल। ठीक है, फेरेनेक्स के पास होगा तो फेरेंजियल है यहाँ पे। ठीक है, ये फेरेंजियल है, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरेनेक्स है फोर्थ फिफ्थ पेयर सेगमेंट में। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेगमेंट में जो हमारा फेरेनेक्स वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे ये थ्री पेयर्स में है। देखो हमने बनाए हुए ना ये वाले 1 2 3 पेयर में बनाए हुए हैं। ठीक है, थ्री पेयर में है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेगमेंट के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, लार्जेस्ट नेफ्रीडिया इसको माना जाता है। ये इंटेस्टाइन में आगे जाके ओपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड वाला है इंटिग्यूमेंट्री। इंटिग्यूमेंट्री जो नेफ्रीडिया होता है, इंटिग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया को कहा जाता है। ठीक है, इंटिग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया हम स्मॉल नेफ्रीडिया, स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया को बोलते हैं। और ये कहाँ पे बॉडी वॉल के साथ है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, बॉडी वॉल के साथ इस तरह से अटैच होते हैं। ये बॉडी वॉल है लेटरल और ये डॉर्सल है। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच होंगे, बॉडी सरफेस में जाके ओपन होते हैं और इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है सेप्टल, सेप्टल नेफ्रीडिया जो है, सेप्टल नेफ्रीडिया दोनों साइड पे प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा। कहाँ से, 15th सेगमेंट से, जहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ से फिर आगे की तरफ ये पास करते हैं, पूरे एंड तक जाते हैं। ओपन कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइन में, ये वाले सेप्टल नेफ्रीडिया जो हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वेंट्रल पेयर फॉर्म में होता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड पे पेयर फॉर्म में है, नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फेरेनेक्स पार्ट है, फेरेनेक्स पार्ट के पास ये ऊपर डॉर्सल साइड, नीचे वाली वेंट्रल साइड, तो जो फेरेनेक्स पार्ट होता है वहाँ पे ब्रेन नर्विंग होती है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे बनी हुई हैं लेनेक्स के पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन नर्विंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे अराइज करती हैं तो क्या बनाती हैं, इस तरह से नर्व्स गैंग्लिया बनाती हैं, गैंग्लिया से फिर आगे थोड़ी नर्व्स बनती हैं, फिर ऐसे करके इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व कोड बन गई। नर्व कोड के पास नर्व्स ऐसे पूरी बॉडी में फिर इन पार्ट से गैंग्लिया से आगे फैलती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये गैंग्लिया पार्ट है। ठीक है, गैंग्लिया में नर्व्स अटैच हैं, ये नर्व कोड किस तरह से बनती है याद रखने वाला है। वेंट्रल साइड पे है, नीचे वाली साइड पे है, तो वेंट्रल है, डबल फॉर्म में है, गैंग्लियोनेटेड है क्योंकि गैंग्लिया बनी है बीच में। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में आइज नहीं होती। ठीक है, लाइट रिसेप्टर्स होती हैं, टच सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स इनको लाइट इंटेंसिटी डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में मतलब हेल्प करते हैं। और सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो टच सेंसिटिव रिसेप्टर, ये इसके स्किन में होते हैं, तो ग्राउंड में, ग्राउंड पे जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उसको ये सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है इसका, है ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बायसेक्सुअल होता है, कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही अर्थफॉर्म के अंदर मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ठीक है, पर फिर भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती कि अपने ही स्पर्म से अपने ही ओवम को फ्यूज करवा दे दो, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, ताकि जेनेटिक वेरिएशन बनी रहे। तो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये बायसेक्सुअल होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है कि एक मेल मतलब ये एक अर्थफॉर्म, ये दूसरा अर्थफॉर्म, तो इसके स्पर्म इसके अंदर और इसके जो स्पर्म है वो इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि वेरिएशन बनी रहे। फिर है कि इसमें एक्सचेंज क्या होता है, ड्यूरिंग मेटिंग के एक्सचेंज होते हैं, स्पर्मेटोफोर्स एक्सचेंज होते हैं इनमें। ठीक है, तो स्पर्म एंड एग्ज डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, कोकून में, किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, क्लिटलम। क्लिटलम पार्ट पढ़ा ना पहले, प्रीस्ट्रोमियम जो है, पेरिस्ट्रोमियम है, उसके बाद क्लिटलम पार्ट है, फिर एंड वाले पार्ट होते हैं, एंड सेगमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से क्लिटलम पार्ट में, ठीक है, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, जो है फर्टिलाइजेशन कौन सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट को कोकून की फॉर्म में होती है, इसकी कोई लार्वा स्टेज नहीं है, सीधे कोकून कोकून अर्थवर्म बन जाएंगे, तो कोई लार्वा स्टेज नहीं रहेगी इसकी। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे मेल फीमेल दोनों एक ही होते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ सेगमेंट से बनाई स्टार्ट किए हैं 18th सेगमेंट तक। ठीक है, तो जो सिक्स्थ सेगमेंट होता है, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, ये चार जो होती हैं सेगमेंट, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्पर्म थिक्का पाए जाते हैं। ठीक है, फोर पेयर में, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पेयर फॉर्म में क्या है, स्पर्म थिक्का प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पर्म थिक्का कहाँ पे है, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ सेगमेंट में। टेंथ इलेवंथ सेगमेंट में क्या होता है, इन दोनों सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये टेस्टिस सैक है, ये वाला टेस्टिस सैक और ये वाला टेस्टिस सैक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस सैक, जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट हैं। ठीक है, टेस्टिस कितने हैं पेयर में,
ये वाले हैं ठीक है, टेस्टिस देखो पेयर में है, टू पेयर हैं, एक इधर होएगा पेयर, एक इधर होएगा पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस टू पेयर में है, टेंथ इलेवंथ सेगमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, टेंथ इलेवंथ सेगमेंट में है, सॉरी ये वाला टेंथ सेगमेंट है, ये वाला इलेवंथ सेगमेंट है, ठीक है। तो नाइन्थ में, नाइन्थ तक तो स्पर्म थिका थे ना, टेंथ इलेवंथ में ये पाए जाते हैं। तो इसके बीच में अगर हम देखें यहाँ पे फनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, फनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ये वाली जो है ये फनल है, उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल हैं पेयर में, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे स्पर्म बनेगा, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया यहीं पे नहीं रहते, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे आ जाते इधर, ठीक है, फनल में। तो यहाँ पे ये स्पर्म की फॉर्म में डेवलप होते हैं, डेवलप होकर फिर से अपने पार्ट्स में गए, वहाँ से जाके ये जो ये ट्यूब हैं, ठीक है, ये जो ट्यूब नज़र आ रही है इसमें पास कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेमिनल वेसिकल में से होते हुए आगे इसमें से पास करते हैं, पास करके कहाँ पे जाते हैं, जो हमारा जो अर्थवर्म का जो 17th-18th सेगमेंट है इसमें आते हैं, ठीक है। 17th सेगमेंट में मतलब यहाँ पे क्या बना हुआ है, असेसरी ग्लैंड बने हुए हैं, ठीक है, असेसरी ग्लैंड बने हुए हैं 17th-19th सेगमेंट में, यहाँ से पास कर, यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से इधर फनल के अंदर स्पर्म बने, डेवलप हुए, ठीक है। इसके स्पर्म जो हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो 10th के स्पर्म हैं वो 11th में आते हैं, ठीक है, जो इसके स्पर्म हैं वो नीचे फनल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्पर्म प्रॉपर बनते हैं, फिर इस ट्यूब में से, इन ट्यूब में से पास करते हैं नीचे की तरफ, असेसरी ग्लैंड्स की तरफ आते हैं। असेसरी ग्लैंड के बाद ये कौन सा पार्ट आता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ये पास कर जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, मेल जेनिटल पोर है, मेल जेनिटल पोर कौन से सेगमेंट में होती है, 18th। तो ये मास्टर केडर में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोस्ट जो मेल जेनिटल पोर कहाँ पे है, 18th सेगमेंट में मेल जेनिटल पोर है, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये आगे खुल जाता है, मेल जेनिटल पोर है 18th सेगमेंट में, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में था, ये आगे ऊपर 17th सेगमेंट में खुल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट, यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं फिर, ठीक है, यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, ये पिन टाइप स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है, वहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं और फीमेल जेनिटल पोर में वो डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव का था, ठीक है, सिंपल सा, मतलब काफ़ी सिंपल, थोड़ा सा फीमेल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज ये थोड़ा सिंपल है। तो फीमेल की अगर बात करें, ये तो हो गया मेल का, अभी हर्मेफ्रोडाइट है इसलिए मैं इसीलिए एक में ही बना के बताया हुआ है, ठीक है। तो फीमेल में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं, कौन से सेगमेंट में, 13th सेगमेंट में, 13th सेगमेंट में क्या है, ओवरीज हैं, एक पेयर है ओवरी, ठीक है, 12th-13th सेगमेंट में है, 12th-13th सेप्टम जो है वहाँ पे ओवरीज की एक पेयर है, ये देखो वन पेयर ऑफ ओवरीज हैं ये वाली, ठीक है। तो ओवरीज के नीचे फनल बने हुए हैं, इसको बोलते हैं ओवेरियन फनल, ठीक है। जब ओवरीज में से ओवम बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, ओवम बन के ओवेरियन फनल में, ओवेरियन फनल से वो जाते हैं ओविडक्ट में, ओविडक्ट ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, यहाँ पे सीधा सा ओवेरियन फनल से ये जाता है ओविडक्ट में, ठीक है। तो ओविडक्ट से कहाँ पे गया, सीधे ये वाले 14th सेगमेंट में जो पार्ट बना हुआ है फीमेल जेनिटल पोर, बस यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो 14th सेगमेंट में फीमेल का जेनिटल पोर कहाँ पे है, 14th में, और कहाँ पे है, वेंट्रल साइड पे होते हैं ये, ठीक है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हैं ये, ठीक है, दोनों के वेंट्रल साइड पे, मतलब दोनों ही वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जेनिटल पोर कहाँ पे होता है, 14th सेगमेंट में वेंट्रल साइड पे, और जो मेल जेनिटल पोर होता है ये 18th सेगमेंट में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर केडर में, टेस्टिस के कितने पेयर होते हैं, टू पेयर होते हैं, 10th 11th सेगमेंट में होते हैं, फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी होता है 12th-13th सेप्टम में, ठीक है। स्पर्म थीका कहाँ पे होता है, 4 पेयर में होता है, किससे, 6th-7th-8th-9th में, ठीक है। गिजर्ड कहाँ पे होता है, 8th-9th सेगमेंट में, ठीक है। तो इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है अर्थवर्म का भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो मेन था, इंपॉर्टेंट था सारा, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया है। तो बस मतलब जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही बनता था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो अभी हमने कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो। बाकी इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, स्टडी विद पूजा, वहाँ से आप ज्वाइन करके चैनल को तो PDF और बाकी के जो मतलब है वो ले सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।